इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष अनवर कच्छी की तरफ से मुंब्रा में कार्यकर्ता मिलावा का आयोजन मुंब्रा के शिमला पार्क में रखा गया था, जिसमें शिवसेना के कार्यकर्ता समेत पूर्व महापौर नईम खान, रविंद्र तायड़े, आमदार सुभाष भोईर, सुधीर भगत, अनिश कुरैशी, जावेद अंसारी व सैकड़ों की तादाद में उपस्थित थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और यहां तक कि पालक मंत्री ने कहा, मुंब्रा में जो भी विकास का कार्य हुआ है वो शिवसेना ने इसकी फाइलें पास की है और जो चौपाटी बन रहा है और हॉस्पिटल बन रहा है वो भी शिवसेना ने ही किया है। शिवसेना आगे भी इसी तरह के कार्य करती रहेगी क्योंकि ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना की ही सत्ता है। इस कार्यक्रम के दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रीकांत शिंदे को सांसद बनाए जाने के लिए कहा, क्योंकि कार्य जो रुका हुआ है उस कार्य को पूरा किया जा सके। पालक मंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से ठाणे शहर में विकास हुआ है उसी तरह से मुंब्रा कौसा में भी विकास होगा। हम जानते हैं इस दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। ऐसे में आप क्या इस कार्यकर्ता सभा का आयोजन मुंब्रा शहर सेवाभावी फाउंडेशन ने किया है और इसमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को भारी समर्थन मिल रहा है और यहाँ पर जो भी मांगे हैं, जो भी समस्या है इसको छुड़ाने का काम हम लोग करेंगे। मुंब्रा शहर का विकास यही हमारा एजेंडा है। मुंब्रा शहर में जितने भी काम किए हैं कॉरपोरेशन के माध्यम से किए हैं, शिवसेना ने किए हैं, इसके आगे भी जो करना है शिवसेना पूरी तरह मुंब्रा कौसा के लोगों के साथ रहेगी। सर, श्रीकांत शिंदे को दोबारा टिकट दिया गया है, ऐसे में क्या अनुभव रहेंगे 2014 में 2.5 लाख वोटों से वो जीते थे। पिछले 5 साल जो काम उन्होंने किया है और आज रैली में जितना बड़ा भारी समर्थन मिला है इससे पूरी तरह हमारे समझ में सबके आया है कि 2.5 लाख का जो लीड है वो दुगना हो जाएगा। 5 लाख लीड से श्रीकांत शिंदे जीतेंगे और फिर 5 साल और लोगों की सेवा करेंगे। 2014-2019 में क्या फर्क नजर आया? 2014 में श्रीकांत शिंदे नए कैंडिडेट थे, आज 5 साल उन्होंने काम किया है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको चाहते हैं और इसलिए आज 30,000-40,000 की भीड़ उनके उनका जो फॉर्म भरने का था उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में रैली में लोग आए थे, खुद होकर आए थे, उत्साह था लोगों में और यही उत्साह उनको कामयाब बनेगा। सर, शिवसेना हमेशा जो है बीजेपी की विरोध करती है और ऐसे में जो है महायुति हुई, इसके बारे में आप क्या? शिवसेना मुंब्रा शहर का विकास चाहती है, यही एजेंडा शिवसेना का। शिवसेना पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर है तो वहीं एनसीपी के बाबाजी पाटिल भी विकास के मुद्दों को लेकर पीछे नहीं है। बाबाजी पाटिल का भी इसी तरह से विकास के बड़े बड़े दावे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।